आखिर क्यों किया था भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध? अगर गुरु द्रोणाचार्य एकलव्य का अंगूठा न मांगते तो क्या वह कर्ण और अर्जुन से भी ज्यादा परक्रमी योद्धा था? धनुर्विद्या में महारत हासिल करने वाला एकलव्य की आखिर क्या है कहानी, जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आप देख रहे हैं भक्ति मन, तो चलिए करते हैं ज्ञान की बातें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एकलव्य रिश्ते में भगवान श्री कृष्ण के चचेरा भाई था और धनुर्विद्या में माहिर इतने कि सब उसकी इस विद्या का लोहा मानते थे। एकलव्य अकेले सैकड़ों यदुवंशी योद्धाओं को रोकने में सक्षम था, इसलिए युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया था। उसका पुत्र केतुमान भी भीम के हाथों मारा गया था। एकलव्य की कुशलता महाभारत काल में प्रयाग से तटवर्ती प्रदेश में सीदूर तक फैला श्रृंगवेरपुर राज्य एकलव्य के पिता निषाद राज हिरण धानु का था। उस समय श्रृंगवेरपुर राज्य की शक्ति मगध, मथुरा, चंदेरी आदि बड़े राज्यों के समक्ष थी। 5 वर्ष के आयु से ही एकलव्य के रुचि अस्त्र शस्त्र में थी। युवा होने पर एकलव्य धनुर्विद्या के उस शिक्षा प्राप्त करना चाहता था। उस समय धनुर्विद्या में गुरु द्रोण की ख्याति थी, पर वे केवल विशेष वर्ग को ही शिक्षा देते थे। एकलव्य के पिता हिरण धानु ने समझा बुझा कर एकलव्य को आचार्य द्रोण से शिक्षा लेने के लिए भेजा, पर आचार्य द्रोण ने दुष्कार कर उसे आश्रम से भगा दिया। एकलव्य हार मानने वालों में ले न था। वह बिना शिक्षा प्राप्त किए घर वापस नहीं लौटना चाहता था, इसलिए उसने वन में आचार्य द्रोण की एक प्रतिमा बनाई और धनु विद्या का अभ्यास करने लगा। शीघ्र ही उसने धनु विद्या में निपुणता प्राप्त कर ली। एक बार द्रोणाचार्य अपने शिष्य और एक कुत्ते के साथ उसी वन में आए हुए थे। उस समय एकलव्य धनु विद्या का अभ्यास कर रहा था। कुत्ता एकलव्य को देखकर भौंकने लगा। कुत्ते के भौंकने से एकलव्य की साधना में बाधा पड़ रही थी, इसीलिए उसने अपने बाणों से कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। एकलव्य ने इस कौशल से बाण चलाया था कि कुत्ते के किसी प्रकार को चोट नहीं लगी। कुत्ते ने द्रोणाचार्य के पास भागता हुआ गया। गुरु द्रोण और शिष्य ने ऐसी श्रेष्ठ धनु विद्या देख कर आश्चर्य में पड़ गए और वे सोचने लगे कि आखिर कौन है वो धनुर्धर जिसने मेरे कुत्ते के मुंह में इतने बाण मारा लेकिन चोट कहीं भी नहीं लगी है। अचानक उन्हें एकलव्य दिखाई दिया, साथ ही अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन भी दिया था। गुरु द्रोण ने एकलव्य से पूछा, तुमने यह धनु विद्या किसे सीखी है? इस पर उसने द्रोण की मिट्टी की बनी प्रतिमा की ओर इशारा किया। गुरु द्रोण ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में एकलव्य के दाएं हाथ की अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने साधना पूर्ण कौशल से बिना अंगूठे के धनु विद्या में पुनः दक्षता प्राप्त कर ली थी। पिता के मृत्यु के बाद वह श्रृंगवेरपुर राज्य की शासक बना और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने लगा। वह जरासंध की सेना की तरफ से मथुरा पर आक्रमण कर श्री कृष्ण की सेना की सफाया करने लगा था। सेना में हाहाकार मचने के बाद भगवान श्री कृष्ण जब स्वयं उससे लड़ने पहुंचे तो उसने सिर्फ 4 अंगुली से सहारे धनुष बाण चलाते हुए देखा तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, चूंकि वह मानव के नरसंहार करने में लगा हुआ था। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को एकलव्य का वध करना पड़ा। तो ये था धनुर्धर एकलव्य की कथा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पसंद आए तो लाइक करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।